क्या विराट कोहली के बहाने टीम इंडिया को यार एक सख्त मैसेज मिला है? वो कैसे यार? विराट कोहली जो कि यार इंस्टाग्राम पे भाई 254.55 मिलियन फॉलोअर है यार, जितना पाकिस्तान का पॉपुलेशन है उससे ज्यादा है विराट कोहली का फॉलोअर है भाई इंस्टाग्राम चाहे फेसबुक चाहे ट्विटर पे। सही बात है। विराट कोहली जब योयो टेस्ट पास कर ही रहे थे तो पास करने के बाद वो यार इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल दिए भाई, उसकी वजह से यार बीसीसीआई ने हर प्लेयर को डांट फटकार लगाई कि आप कोई भी बीसीसीआई का सीक्रेट चीज इंस्टाग्राम चाहे ट्विटर चाहे फेसबुक पे आप लीक नहीं कर सकता, ऐसा बीसीसीआई के ऑफिशियल का कहना है। विराट कोहली शायद योयो टेस्ट में यार पास नहीं कर पाए थे क्योंकि 16.5 था और उनका 17.2 था, ऐसा बहुत लोगों का कहना है, बहुत न्यूज मीडिया का कहना है कि विराट कोहली पास नहीं कर पाते, लेकिन विराट कोहली जो कि यार फिटनेस लेवल में पागल है भाई, उनकी तरह कोई फिट प्लेयर पूरे क्रिकेट में नहीं यार जितना विराट कोहली खुद फिट है, और हर प्लेयर को जब से आए ना हर इंडियन टीम के हर प्लेयर को फिट रखने का एक नया तजुर्बा दिखाया, एक नई आंख दिखाई हर प्लेयर को, हर सीनियर जूनियर को एक नई आंख दिखाई कि एक फिट प्लेयर भी कुछ भी कर सकता है। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि यार विराट कोहली योयो टेस्ट पास नहीं कर पाते, लेकिन ये गलत बात है यार, क्योंकि विराट कोहली कहाँ विराट कोहली भाई, उनका फिटनेस इतना पागल है यार जो वो क्रिकेट में प्रैक्टिस नहीं करते लेकिन यार जिम वो जरूर जाते, ऐसे विराट कोहली का खुद कहना है यार 2-3 घंटा जिम में उनको गुजारना ही गुजारना है, लेकिन उनको यार जब सब कह रहे कि फिटनेस में वो नहीं पास कर पाए योयो टेस्ट जो कि एशिया कप के लिए हो रहा था, रोहित शर्मा पास कर ले गए, शुभम गिल पास कर लिए, हार्दिक पांड्या कर लिए, हर प्लेयर पास कर लिए, विराट कोहली को रोका गया, पता नहीं क्यों ऐसा। विराट कोहली के ऑफिशियल का कुछ कहना है यार बीसीसीआई के ऑफिशियल का, विराट कोहली के बहाने यार टीम इंडिया को फटकार लगी क्योंकि यार विराट कोहली इतना बड़ा पेज है भाई, इतना बड़ा फॉलोअर है, इतने बड़े प्लेयर हैं, उनको बीसीसीआई डायरेक्ट फटकार नहीं लगा सकता है, लेकिन यार छोटे प्लेयर को तो कुछ कह सकता है जैसे शुभम गिल हो चाहे हार्दिक हो चाहे कोई भी हो, विराट कोहली के आगे वो तो कुछ भी नहीं है, ये तो बात माने चाहे नहीं माने, भले विराट कोहली उस दिन से फॉर्म में नहीं थे लेकिन अब फॉर्म में आ गए हैं, लेकिन यार विराट कोहली को तो फटकार नहीं लगा सकते लेकिन कुछ लॉ तो बना सकते हैं, ऐसा बीसीसीआई का ऑफिशियल का कहना है। तो वही लॉ बनाया यार, और बीसीसीआई का कहना है कि कोई भी आप सीक्रेट चीज लीक नहीं कर सकते, उस तरह पिछले चीफ सिलेक्टर को देखिए, वो अगर लीक किए थे तो वो चीफ सिलेक्टर से हट गए, वो पिछले चीफ सिलेक्टर का कहना था कि योयो टेस्ट भी ऐसे बड़े बड़े प्लेयर पास कर ले जाते हैं, तो टेस्ट देने आते चाहे नहीं देने आते लेकिन उनकी क्लास भी लग गई थी, वो सीक्रेट चीज लीक किए थे तो उसके लिए वो भी बाहर चले गए थे और नए चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर सर बन गए, चेतन शर्मा जो थे ना वो बाहर हो गए थे तो नए अजीत अगरकर बन गए थे। विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पे एक तस्वीर डाल दी थी, हैप्पीनेस ऑफ फीलिंग योयो टेस्ट, हैप्पीनेस ऑफ फिनिशिंग योयो टेस्ट 17.2, उसकी वजह से बीसीसीआई ऑफिशियल बीसीसीआई के हर लोग गुस्सा है कि यार कोई सीक्रेट चीज लीक नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन विराट कोहली को तो डायरेक्ट कह नहीं सकते उनकी मूवी, क्योंकि विराट कोहली ब्रांड ऑफ क्रिकेट है भाई। अखबारों ने ये तो खबर छड़ा दिया कि यार 17.1 यार भाई रेड लाइट था, 17.2 पे विराट कोहली पास किए थे तो शायद सबको लग रहा था कि विराट कोहली यू ही पास कर गए, क्योंकि यार चेतन शर्मा का कहना था कि योयो टेस्ट जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं यार जो सिलेक्ट हो जाते हैं वो ऐसे ही पास कर जाते हैं, रोहित शर्मा भी पास करके, विराट भी पास करके, हर प्लेयर पास करके, कोई बचा नहीं है, लेकिन विराट कोहली को मेन टारगेट किया गया था क्योंकि यार वो पब्लिक फिगर है ना भाई, उनका जहाँ नाम आ जाता है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है आदमी। अभी हाल फिलहाल देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार को यार विराट कोहली ने जब टारगेट किया, टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार कितना नीचे गिर गया, क्योंकि यार विराट कोहली ब्रांड है भाई, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है, वो हार्दिक और रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली ऑल ओवर क्रिकेट को रूल करते हैं भाई। बीसीसीआई को लगा कि यार खिलाड़ी जो है यार प्राइवेसी, जो बीसीसीआई की प्राइवेसी है यार उसको भंग करें, आप अपनी निजी जिंदगी में कुछ भी कीजिए, इंस्टाग्राम पर रील बनाइए, फोटो अपलोड कीजिए, एड एडवर्टाइज कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन बीसीसीआई के कुछ चीज़ लीक नहीं कीजिए, ऐसा बीसीसीआई का कहना है, क्योंकि विराट कोहली को तो सामने से कह नहीं सकते लेकिन स्टेटमेंट वो निकाल ही सकते अपने ऑफिशियल पेज पे, तो उसी तरह उन्होंने निकाला। विराट के यार एक इंस्टाग्राम तस्वीर ने पूरे यार हॉल बना दिया भाई, विराट कोहली की एक इंस्टाग्राम तस्वीर, तो सोच लीजिए विराट कोहली यार कितना ब्रांड है भाई, बीसीसीआई एक अलग स्टेटमेंट जारी कर दिया कि आप कोई भी प्राइवेसी भंग नहीं कर सकते। विराट कोहली को लग रहा है कि यार बैठे बिठाए मैं ऊपर से हवा बन गया यार, और ऊपर से लोगों को हवा बना दिया यार, इन लोगों को लगा कि विराट कोहली फेल हो गए, लेकिन विराट कोहली फेल नहीं हुए भाई, फिटनेस में जितने पागल है ना उतने मेरे ख्याल से लगता नहीं है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में कोई उतना फिट प्लेयर होगा। और जो कहानी है कि 17.1 वो रेड लाइट था, वो पासिंग मार्क्स थे, लेकिन विराट कोहली 17.2 पे है वो फेक न्यूज़ थे यार, पासिंग 16.5 थे और विराट कोहली का 17.2 है यार, तो हाईएस्ट तो शुभम गिल थे 18.2, लेकिन यार विराट कोहली भाई फिट तो है कम से कम,
ये सही न्यूज नहीं थी यार, क्योंकि यार विराट कोहली का न्यूज जो था वो फेक न्यूज था भाई। 17.2 पासिंग मार्क्स नहीं थे यार, 16.5 थे भाई, जैसे आपको पहले बताया। लेकिन विराट कोहली के फिटनेस यार, मैं पागल हूँ, मैं भी सोचता कि उस तरह फिट हूँ, लेकिन कभी मेरे ख्याल से लगता नहीं कि उस तरह हो पाऊंगा। इसीलिए यार विराट कोहली की वजह से यार BCCI इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि यार सोशल मीडिया पे इंक्लूड करना बहुत बड़ी बात है। और विराट कोहली जब फेल हो गए तो लोगों ने कहा कि विराट कोहली यार कैसे फेल हो सकता है, विराट कोहली फिट प्लेयर, इतने फिट प्लेयर वो फेल हो सकते हैं, तो यार सब प्लेयर ही फेल हो जाएंगे, लोगों का कहना था। इसीलिए BCCI ने नया स्टेटमेंट जारी कर दिया कि आप प्राइवेसी को भंग नहीं कर सकते हैं। एक और न्यूज़ से खबर आई कि यार जडेजा विराट कोहली भाई यो टेस्ट में टॉप पे गए भाई, क्योंकि विराट कोहली भाई ब्रांड है यार, और रविंद्र जडेजा तो वही फिटनेस के लिए पागल है, क्योंकि आप फील्ड में देखते हैं कि जिस तरह वो फील्डिंग करते हैं ना, लगता है कि घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े से भी रफ्तार तेज रहती है जिस तरह वो फील्डिंग करते हैं यार। अब विराट कोहली का भी कहना है कि यार मेरे से अच्छी फील्डिंग रविंद्र जडेजा भाई कर ले जाते हैं, और रविंद्र जडेजा भी एक नंबर फिट प्लेयर है यार। IPL में देखा था कि फाइनल मैच में किस तरह मोहित शर्मा को छक्का चौका बना के IPL जिताया था, तब से यार जडेजा यार इतना फेमस और हो गए, उससे ज़्यादा भी यार वर्ल्ड क्रिकेट में राज करने लगे ऑलराउंडर की गिनती में। विराट भी कई बार कह चुके हैं अगर कोई उनसे तेज ज़्यादा, कोई उनसे फिटनेस में ज़्यादा है तो वो यार जडेजा है भाई, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में और ऑल ओवर एशिया कप में, वो मजाक में कहें चाहे मस्ती में कहें, लेकिन सीरियस में भी कहें भाई बहुत बार कहें यार, क्योंकि जड्डू भाई इतनी रफ्तार तो घोड़े की नहीं होती जितनी रफ्तार यार जड्डू पाजी की होती है। खैर लेकिन विराट तो पास कर गया, कोई पास करे चाहे नहीं करे, बड़ी अच्छी खबरी आई कि विराट कोहली पास कर गए एशिया कप के लिए, और एशिया कप में आएंगे और सेंचुरी का दिखा देंगे तो बहुत अच्छा हो गया, कहें कि 2-3 मैच ही होंगे उसमें यार दो भी सेंचुरी दिखा दे यार, एक रोहित और विराट कोहली के बल्ले से आ जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। और एशिया कप जीते चाहे ना जीते, लेकिन यार पाकिस्तान के खिलाफ भाई मैच जीतना ही जीतना, क्योंकि यार वो बेटा ना है अपना। खैर दोस्तों एक और न्यूज आ रही है कि यार पाकिस्तान में यार रॉजर पिन्नी और हमारे वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला सब मैच देखने जाएंगे, ये बात सही कि नहीं सही आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब विराट कोहली के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर अगले वीडियो में, तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छी भी नहीं लगे तब भी लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि फिर से कोशिश करूँगा, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। बाय बाय दोस्तों।